अथरू तो झूलने लग रहा भाई, देखो मस्ती चल रही है अथरू की, मम्मी झूला लग रही है, अरे झूला और दीदी लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाने लग रही है, देखो कितने सुंदर लग रहे, देखो कितनी अच्छी लग रही, राधा रानी बन गई लड्डू गोपाल जी खाना, भैया भैया है भैया खाना, भैया का माता रानी बना दी है भैया, आज इनका जन्मदिन है ना इसलिए आज रात 10 बजे और हाँ देखो भजन तो गा ले, भजन गा गा के तो झूल लग रहा है, भजन गाओ अभी बाबू ना आया नहीं, अभी थोड़ी देर में आएगा बाबू जब मार्केट जाएगा राम राम जी कैसे हो, आशा करती हूँ कि सब सही होंगे। तो गाइज सुबह के बजे ऐसा बनो, और आज तो पानी ने बस ऐसे ही दिमाग खराब कर रखा, पानी नहीं आ रहा टैंक में तो ऊपर चढ़ नहीं रहा इसलिए नहीं काम हो रहा, और लाइट भी बार बार आ रही जा रही, पानी नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा मोटर चला के आया तो अब पहला काम खत्म करूंगी रसोई का, फिर मशीन लगाऊंगी, उसके बाद नहा के फिर आज मार्केट जाना, थोड़ा सा काम है वो करके आवेंगे मार्केट, जो भी लेकर आवेंगे और जो भी काम है वो आपको दिखावेंगे मार्केट में जाके। तो ठीक है गाइस तब तक के लिए बाय बाय। भाई सुबह के 10 बजे है और मैं नाश्ते में आज चावल वाली कचरी भून रही हूँ और चाय बना रही हूँ, अभी तक नाश्ता नहीं किया। तेल ले लिया है और तेल गर्म होने लग रहा, और ये यहाँ पर कचरी ले ली, ये रखी यहाँ पर पन्नी बहुत बन गई है, इसमें से ही निकाल के भून रही हूँ। गाय तो देखिए भाभी जी अभी जो है सुबह का नाश्ता बना रही है और कचरी भून रही है सुबह के नाश्ते में, यम्मी यम्मी। भैया जा चुका है अपनी जॉब पर, और लल्ला छोटा बाबू हमारा नहा रहा है, वर्षा छोटे बाबू को नहला रही है, देखने लायक है ये, देख सके तू, अच्छा फिर ठीक है इसे भी नहला दो, ये भी आगे बाद इसके नंबर है आगे मेरे जी, अभी तो आपको पता भी नहीं चल देगा ये कितना बड़ा हो गया है, देखो मुझे तो वैष्णवी का पता भी नहीं चला ये 2 साल की कब हो जाएगी, नवंबर में हो जाओगे 2 साल की, आराम से छिट्टी ना लगवा लियो ऐसी हो मम्मी सच्ची में ही मतलब इतनी खुशी हो गए, खुशी हो गए बहुत है तो। तो गाइस भाभी जी बस रेडी हो गया है नाश्ता, उसके बाद करेंगे नाश्ता, हाँ फिर मार्केट जाना गाइस, हाँ मौसम मुझे लगा हो जाओगा ठीक। बुनकर रेडी हो गई है, 2 प्लेट में निकाल ली, नाली दोनों बहन भाई नाली है, देखो वैसे की मोती है घर के बुआ जी ने नीला दिया दोनों बच्चों, खाना जी का फाइनल लुक और दिखा दो। लड्डू गोपाल जी रेडी होकर बैठ गए हैं और आज राधाष्टमी है, राधा रानी का जन्मदिन है आज, और लड्डू गोपाल जी तो दीदी ने रेडी करके बिठा दिया, देखो कितने अच्छे लग रहे, फाइनल लुक यही आया लड्डू गोपाल जी का। गाइस 11:30 बजे है और मार्केट में जाने का टाइम होगा, सब मार्केट जाने के लिए रेडी हो गए, दीदी मम्मी अथर और वैशो और मैं, हम सब जा रहे हैं मार्केट, बस वर्षा दीदी घर पर ही रहेगी और सब जा रहे हैं। मम्मी वैशो गए अथर के नाम का चिल्ला बना रही है, क्या उन्हें चिल्ला खुआ के लेकर जाओगे रास्ते में परेशान कर देंगे, पोते और देते देव जी और पोते के दोनों बहन भाई खा के जाओगे, मैं जाके परेशान ना करें उनका पेट भर रहे, क्योंकि हम तो कुछ भी खा लेंगे पर बच्चे तो नहीं बाहर का कुछ खा सकते, वैसे तो चिप्स खाने लग रहे हैं। अब अपना पानी लेकर बैठ गए दोनों बहन भाई, एक चिप्स खा लग रहा देखो कैसे सुबह तो पता नहीं आ कितनी बार झाड़ू लगी, दोनों कुछ ना कुछ सलाने पर लग रहे, कभी चिप्स कभी पानी कभी कुछ कभी कुछ, सुनाने लग रही दीदी ये कह रही कि अगर दोनों में से एक भी सो जाओ तो यही छोड़ के चले जाएंगे, ना तो वैसे सोने का नाम ले रही हूँ ना ही अतर ले रहा, देखो इसने तो अपनी आंख बंद करके बेचारी को झूले में बिठा रखा, इसकी मम्मी ने इसकी आंख बंद करवा दी, सा नींद तो आ नहीं रही, आंख बंद कर आंख बंद कर अंकों में नींद तो है पर सो नहीं रही, बेचारी को जबरदस्ती सोना पड़ रहा, वैसू
वैसे तो सोगी। बाय 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 बाय। चलो 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 मार्केट चलो चलो। भाई ये तो ओवर एक्टिंग कर रही है, मुझे लगा सच्ची में सो गया। पानी भी ले लिया मार्केट जाने के लिए, फिर उसे बीच में प्यासा लगेगी ना, फिर परेशान करेगा, तो इसीलिए मैंने पानी भर लिया थ्रू का। कुर्ता लिया, इस पे ना काले बटन होंगे, ये रन हमने सिलवाया, ये सिलवाया कुर्ता रन हमने जागरण में पहनने के लिए, और उस पर काले बटन नहीं हुई अभी। इतना मार्केट का काम होगा, इतने से काले बटन के लिए दे देंगे और उधर जाते हुए ले लेंगे, जब तक हो जाएगा काले बटन, जब तक मार्केट का काम होगा। कुर्ता बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। प्लान में नहीं है ये, प्रिंट में है, देखो हल्का हल्का सा दिख रहा, प्रिंट क्लियर नहीं दिख रहा। तो गाइस जल्दी है थ्रू भी रेडी हो गए, थ्रू नए वाले कपड़े पहन लिए, और मम्मी और दीदी तो पीछे ही है, हम दोनों क्या है वहाँ पर। मैं कहा चलो चलो चलो, देखो कितनी जल्दी हो रही है। हाँ कहाँ जाना है बेटा को, बाहर जाना है, कहाँ जाना है, बाहर जाना है, चलो चलते। नागू चढ़ चढ़ गए जा रही है स्टेशन पर। तो रास्ते ट्रेन 2 घंटे लेट है, तो धूप में ना बुरा हाल हो गया, इतनी टाइट धूप निकल रही है। लल्ला तो बिल्कुल भी कैप नहीं ओढ़ रहा, ना ही हमारी चुन्नी ओढ़ रहा है, मतलब फेंक फेंक के मार रहा है। और पीछे आपने बादल देखो, कितने सुंदर बादल लग रहे हैं ना भाभी, देखियो है ना कितने। हाँ मम्मी को मेरे पास गाइस, तो अभी यहाँ पे भैया कुर्ता देने के लिए आए हैं। अपने भाई कल तो देख रहे, मेरा करे। घूम फिर के हम आए थे नेहरू मार्केट में, नेहरू मार्केट में से जा रहे थे कमला मार्केट में, देखो भाभी जी को हमने नेहरू मार्केट में बहुत कम शॉपिंग करते, ज्यादातर हम ना कमला मार्केट उसमें से कमला मार्केट में से करते हैं, तो वही जा रहे हैं। छोटे बाबू को, छोटे बाबू हैंकी ओढ़ लो बेटा, जीजा जी के कपड़े लिए। तो गाइस शॉपिंग हमारी अभी बीच में ही है, और मम्मी बटमटे की चाट लेने लग रही है क्योंकि हमें भूख लगी हुई है ना, तो इसीलिए। और हम यहाँ पे 80 रुपए, और हमने 80 रुपए की चाट खा ली। एक उसका भी ले लिया ना, खा लिए गाली मत। अथरू के कपड़े देखने लग गए, अथरू की बुआ जी, अथरू की बुआ जी दिलवा रही है अथरू के कपड़े, लड्डू गोपाल जी के झूले वगैरह, बेड, सब चीजें रखी हुई है यहाँ पे, मतलब इस दुकान में सब चीज मिले हैं, एक दाम की दुकान है। एक कोट देखा, और एक कुर्ता देखा था, और एक कुर्ता ये, इस कुर्ते की जैकेट अच्छी लगी मुझे बहुत। कुर्ता आप ले देगी, वो आपकी मर्जी है, वरना बड़ा हो जाएगा तब ले देगी। मैं खुद ले लूंगी, उनकी इच्छा देगी, मैं खुद ले जाऊंगी। हाँ कुर्ता ले रही हूँ, पापा जी कुर्ता ले जाओ, पापा जी इसके कुर्ता लेकर जाओगे। पहले अपनी बुआ जी, पहले अपने पापा जी के पहन लगा, फिर केक काटते टाइम अपनी बुआ जी के पहन लगा। तो बंद पिंदी देख रहे हैं, और हेयर बैंड लिया है, देखियो वाइन कलर इनमें कौन सा लग रहा है आपको, मेरे तो ब्लैक लग रहा है, ब्लैक लग रहा है भाभी जी, ये भी क्या दोनों वाइन ऐसे करो, दोनों वाइन है, ब्लैक पर देखने में ब्लैक लग रही है, डार्क है, नहीं वाइन है, दोनों वाइन है, अंदर से वाइन है, ब्लैक होता ब्लैक में आपको मना कर देता, दोनों वाइन है, कौन से अच्छे लगे, दोनों का डिजाइन अलग है, ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, हाँ वो वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। चलने के लिए हमने रिक्शा ले लिया है, हमारी पूरी शॉपिंग खत्म हो गई है, वैसे तो हमारी टाइम तक भी नहीं होने की, पर समझाना पड़ा, कहना पड़ा अथरू क्योंकि घर वैसे है ना, जाना पड़ रहा, कुछ सामान रहेगा हमारा, बस आप पहुंच जाएंगे शिव जी मूर्ति पर, तो आए गए 5 मिनट का रास्ता। और बाबू तो देखो बाहर निकल गए घूमने के चक्कर में, भूख लगती है ना प्यास लगती है।
बहुत ट्रैफिक लग रहा है। घर आ गए वैसु के चक्कर में, जल्दी जल्दी आए वैसु, मजे कर रही यहाँ पे गाने सुननी वैसु। हम तो बहुत टेंशन में, आज टेंशन में होती बहुत ज्यादा। और वैसु मजे कर रही, ना रो रही ना कुछ भी नहीं करा। मम्मी बताओ, मत छोड़ छाड़ कब आ गया बाबू तेरे, तेरी चाट है, चाट है खा ले। भागे भागे आए वैसे, रोरी वैसे रोई, न चूड़ी लाए न लटकन लाए, कुछ भी नहीं लाए। गाइस 3 बजे तो मार्केट से आए थे और अब 4 बजे है, और आके थोड़ा रेस्ट करके मशीन लगाई, क्योंकि कल बृहस्पति है, कल तो कपड़े नहीं धुलने के, जो कपड़े हैं वो आज ही धुल दूंगी। और मौसम तो खराब ही हो रहा, बादल से वाल हो रहा, पर जैसा भी हो रहा बस कपड़े अगर बाहर सुखाए जाएंगे तो सुखाए जाएंगे, वरना अंदर डाल दूंगी, सूखे जाएंगे परसों तक, फिर फोल्ड करके रख दूंगी। मैंने मशीन लगा दी है, मशीन लगा कर फिर रसोई में आई, पहले मशीन लगाई फिर रसोई में आई, और अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी। चाय भी बनकर रेडी हो गई, बस अब तो छलनी करनी रह गई। ये खाने में खिचड़ी बनी थी, गिल्ला गिल्ला हो क्योंकि पाइप नीचे छोड़ा खाना, तो इसीलिए ये रहे कपड़े धुलने लग रहे। अभी तो पहली बार ही ये रहे कि निकल लेने, अभी और पक्की के रहे है तो कमी कपड़े, बस बृहस्पति की वजह से लगा दिए। पर वही है कि परसों भी टाइम नहीं मिलने का, कल बृहस्पति है तो आज ही धो दूंगी, फिर गंदे कपड़े रखने की जगह भी नहीं मिलती। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए। बाबू सो गए हैं और अब मुझे बाबू के नाखून काटने हैं, क्योंकि कल बृहस्पति है तो इसीलिए बाबू के नाखून आज ही कटूंगी। देखो बाबू के नाखून ना बढ़ रहे बहुत ज़्यादा, बस बाबू के सोने का वेट कर रही थी, पता नहीं दिख रहे होंगे, नहीं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। देखो बढ़ रहे बहुत, ये दो तो मैंने काट दिए, अभी ये बड़े हुए हैं, अब काट दूंगी बस बाबू के फटाफट नाखून अपने बच्चे के। पुच्छी कर लूँ, सुत्ते सुत्ते के सोने बाबू के अपने। बाबू के नाखून मैंने काट दिया है, देखो कितने अच्छे कट्टे। बाबू तो अभी निन्नू ही कर रहा, हाथ के भी काट दिए और पैर के भी। कोई नहीं कोई नहीं, कोई कट गए बाबू के नाखून, मेरे बच्चे के नाखून तो कट गए। तुझे ये खीर बनाई दोनों बाबू के लिए, वैसु के और अथारू के लिए। मम्मी से टिक्की मलना। अच्छा अच्छा, मम्मी ने बनाई क्या, मैं अंदर गई, मुझे पता नहीं आपने बनाई, मम्मी ने बनाई, किसने भी बनाई, देखो भाई बच्चों की थी। अरे सर तो पापा जी के साथ जा रहा घूमने के लिए, अपने बब्बा जी के साथ। ये आगे दोनों की उम्र बहुत बड़ी है बब्बा पुत्तों की। प्रदीप के सामने दिल्ली कैसा मजा गए बताइयो, बताओ दिल्ली बजवा कर चाय। प्रदीप चाय लेकर खड़ा होगा, देखो बता लो यार, देखो कैसे मजा कर रहा है। अच्छा कैसे बजाता है, सो गाइस अभी मैं अकेले में आके बैठा हूँ, तो आपको बताता हूँ हमारे परिवार में जो चाचा जी थे मेरे, जो पापा जी के ताऊ के लड़के थे, वे एक्सपायर हो गए हैं, कल शाम के टाइम हुए हैं। तो अब घर में प्रोग्राम था 2 दिन बाद, तो उसको कैंसिल करना पड़ा। अब उसको डिले मतलब कि शिफ्ट कर दिया है नवरात्रि के लिए, 2 तारीख नहीं 4 तारीख के लिए, 4 अक्टूबर को दूसरा नवरात्रा है, तो तब जाकर जब प्रोग्राम होएगा तो कैंसिल करना पड़ा। तो भाई घर परिवार में अगर ऐसा है तो सबके साथ खड़ा रहना पड़ता है, तो अगर ये चीज़ हमारे परिवार में है तो भाई आप सब समझ सकते हैं कि डिले तो करना पड़ा। अब सब पूछते हैं इस चीज़ को लेकर, और अब इस चीज़ को लेकर भी दुखी है सब, पापी यार तो अब जाने लग रहे हैं तैयार होकर, क्योंकि वे सुबह भी पता लेके आए थे, कल सुबह गए थे पापा जी पता लेने के लिए। तो अब जो है अब फिर जा रहे हैं सुबह सुबह, और ये नहीं पता था कल शाम ऐसा भी हो जाएगा। तो थोड़ा बीमार चल रहे थे काफ़ी टाइम से, कल जैसी भगवान की इच्छा भाई। तो इंतजार करिए व्लॉग का, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बस कुछ नहीं, बस 20 दिन के लिए स्किप हो गया प्रोग्राम।
जो भी मतलब कि हमारे रिलेटिव थे आने वाले थे सबको मना किया, और जो भी मतलब वो लोग देख रहा है जो भी आने वाले थे तो आप सुन सकते हैं। तो अब 4 तारीख को होगा प्रोग्राम, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी नेक्स्ट व्लॉग। राम राम जी, जय बजरंगबली, जय माता दी।